नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर किन्नौर से, जहां एक बार फिर किन्नौर पर कुदरत का गुस्सा फूट पड़ा है। किन्नौर में प्रकृति का, कुदरत का ऐसा प्रकोप देखने को मिल रहा है जिसने पहाड़ों पर घूमने फिरने वालों के लिए दहशत का माहौल बना दिया है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बने रहिए आप SMZ न्यूज इंडिया के साथ, आपको पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर खबर पर। दरअसल मामला हिमाचल के किन्नौर से सामने आ रहा है, जहां पहाड़ों की चट्टाने खिसकने से उस वक्त बस और कुछ वाहन मलबे के नीचे दब गए। जहां जानकारी के अनुसार 30 से 35 सवारियों की बस किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी। और ताजा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बस ड्राइवर और कंडक्टर ने छलांग लगा दी, लेकिन बाकी सवारियों की तलाश लगातार जारी है। वहीं इस मामले में दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से मौके के हालातों के बारे में जानकारी दी गई है। जो सूचना मिली है, जानकारी ही है अभी तक, पूरी जानकारी मैं लेने से पहले ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के घुसने से वहाँ एक बस, और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी में, उनको ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से हाथ बाहर अभी निकला ही हूँ, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्यवाही, NDRF की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। किन्नौर के SP साजुराम राणा के मुताबिक पुलिस को नाभा नगर थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर लैंडस्लाइड की सूचना मिली। इस घटना की जानकारी के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राज्य पुलिस और होमगार्ड जवानों को यहां भेजा गया है। तो ये था कुदरत का कहर जो एक बार फिर किन्नौर पर बरसा है। हिमाचल प्रदेश में इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। ऐसे ही और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए SMZ न्यूज इंडिया के साथ। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज SMZ न्यूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।